जिनके लहू से सिंची ये माटी, जिनके दम पर ये उपवन है, उन बलिदानी वीरों को शत 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 बार नमन है। ऐसे बलिदानी वीर जिनके बूते विवेकानंद जी कह गए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम आज हंसते हैं ऐसे वीरों पे। मेरे दिल की पीड़ा, मेरे गुरु बाबू जी ने जो आदेश दिया है, गुरुओं के आदेश पे अंगूठे भी कटे हैं और गले भी कटे हैं, तो सिर्फ एक ही कविता बोलूंगा। पीड़ा मेरे दिल की ये है, हम कहते हैं 12 बज गए, सरदारों पे चोक सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, बिना सोचे समझे हम भी फॉरवर्ड करते हैं। आप मुझे तालियां मत दीजिएगा, मुझे आशीर्वाद मत दीजिएगा, लेकिन मेरी कविता की एक भी पंक्ति आपको सच लगे, सार्थक लगे, तो एक वचन दीजिएगा कि आज के बाद कभी सरदारों पे जोक नहीं बोलेंगे, और अगर कोई मैसेज आएगा तो इस कविता के लिंक को आप फॉरवर्ड कर देंगे। इतना आदेश मेरे को दे, इतना वचन मेरे को दे दीजिए बस। जिन बेटों की लाशों पे भारत मां सही सलामत है, जिन बेटों की, कौन थे वो लोग, हम कहते संता बनता, जिन बेटों की लाशों पे भारत मां सही सलामत है, उन पर हंसने वाले लोगों वाकई तुम पर लानत है, जिनकी कुर्बानी के कारण जिंदा धर्म सनातन है, डूब मरो जो उन्हें समझते मनोरंजन का साधन है, जानो उनके बारे में उन पर हंसने से पहले, जानो उनके बारे में उन पर हंसने से पहले, बनकर सांप आस्तीन का उनको डसने से पहले, इतिहास सुनोगे बलिदानी तो आ जाओगे सदमों में, मजाक उड़ाते हो जिनका गिर जाओगे उनके कदमों में, जालिम मुगल लुटेरों से लड़ी जो फौजे तगड़ी थी, कौन थे वो लोग, जालिम मुगल लुटेरों से लड़ी जो फौजे तगड़ी थी, शीश काटने और कटाने वाली बलिदानी पगड़ी थी, संकल्प लिया था दुश्मन की या खुद की अर्थी सजने का, मुगलों पे हल्ला बोलने का संकेत था 12 बजने का। वो 12 बजे का इतिहास था जब हमारी बहन बेटियों की रक्षा की जाती थी, दुश्मन पे हल्ला बोलने का संकेत था 12 बजने का। सत्रिय काल सुन हिलते थे सिंहासन जेहादी नारों के, सत्रिय काल सुन हिलते थे सिंहासन जेहादी नारों के, कहते थे मुल्ले बज के रहना 12 बज गए सरदारों के। और 12 बजे का, 12 बजे, 12 बजे का खौफ था इतना कि सांसें ढीली होती थी, खानों और सुल्तानों की पतलूने गीली होती थी, अगली बार जब खिल्ली उड़ाओ तुम किसी सरदार की, यादें जिंदा कर लेना सरहिंद की दीवार की, 5-5 साल के बच्चों ने जहां अपना बलिदान दिया और हमको धर्म सनातन में जीने का सम्मान दिया, वजीर खान ने धोखे से कैद किया मासूमों को, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए, 2 छोटे बच्चे बाबा फतेह सिंह जी, और जोरावर सिंह जी, उनको सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिया, उन बच्चों की उम्र देखिए 5 साल और 8 साल, वजीर खान ने धोखे से कैद किया मासूमों को, लादना चाहा उनके ऊपर शरिया के कानूनों को, जालिम बोला बच्चों से तैयार रहो अंजाम को, छोड़ दूंगा जिंदा अगर कबूल करो इस्लाम को, बोले बच्चे धर्म बदल कर जीना मरने से बदतर है, बच्चों का जवाब देखिए, बोले बच्चे धर्म बदल कर जीना मरने से बदतर है, शायद तुम ये भूल रहे हो हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। जारी हुआ फरमान कि इन बच्चों को जिंदा चिनवा दो, मौत का खौफ दिखा के इनको दिन में तारे गिनवा दो, लेकिन उन बच्चों की रगों में जाने कैसा खून था, छोटी सी उम्र में धर्म की खातिर मरने का जुनून था, ईंट और गारा लिए मुगल बच्चों की जानिब बढ़ते गए, धर्म की खातिर दोनों बच्चे सीना तान के अड़ते गए, दीवार चढ़ी जब छोटे भाई, अब भूल जाओ कि शुभम खड़ा है, वो 2 छोटे बच्चे यहां पे, एक 5 साल का, एक 8 साल का, और दीवार बननी शुरू हुई है, दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू, बड़े भाई के गालों पर, बोला फतेह सिंह जोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो, डर गए क्या मौत से भैया, जो बड़े होकर भी रोते हो, अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, बड़ा भाई बोलता है, डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है, ये कहकर दोनों भाई कसकर एक दूजे से लिपट गए, ये कहकर दोनों भाई कसकर एक दूजे से लिपट गए,
धर्म बचाकर दोनों बच्चे ईंटों के अंदर सिमट गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अपना स्वागत है भाई। नमस्कार जी। दीवार चढ़ी, दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के सर से थोड़ा ऊपर, आंखों से फिसल गए कुछ आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह सोरावर से, आंखों को क्यों भिगोते हो, डर गए क्या मौत से भैया जो बड़े होकर भी रोते हो। अरे डरने का नाम नहीं ले छोटे, एक बात ने दिल को कचोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। ये कहकर दोनों भाई कसकर एक दूजे से लिपट गए, धर्म बचाकर दोनों बच्चे ईंटों के अंदर सिमट गए। गुरु तेग बहादुर के पोतों ने कर्म को अपने बदला नहीं, हंसते हंसते कुर्बान हो गए पर धर्म को अपने बदला नहीं। जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, जिस दीवार में उन बच्चों का नन्हा नन्हा जिस्म जड़ा था, सच कहूं तो उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म कड़ा था। वाह 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 वाह, उन ईंटों पर सत्य सनातन, उन ईंटों पर सत्य सनातन धर्म खड़ा था। कर्ज है उनकी कुर्बानी का अपने रोम रोम पर, कर्ज है उनकी कुर्बानी का अपने रोम रोम पर। डूब मरो तुम हंसते हो ऐसी बलिदानी कौम पर। याद रखो याद रखो याद रखो, ये कौम नहीं है संता बंता के जोक की, ये है 1,25,000 से एक लड़ाने वाली माओं की कोक की। वाह 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 वाह। 2.5 मिनट का वचन पूरा करता हूं, अपना स्थान लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।